में जंगू डिंगला ईस्टर्न जर्नल पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ राजीव गांधी स्टेडियम नाहरलगुन पर। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी जो लड़कियाँ हैं फुटबॉल खेल रही है। मैं आप सभी को बता दूँ कि ऐसा क्यों, ताकि आज से स्टेट लेवल सेलेक्शन ट्रायल हो रहा है नेशनल वुमेन्स फुटबॉल टीम के लिए। इसलिए यहाँ पर जो हम देख सकते हैं लड़कियाँ आई हुई है अपने ट्रायल के लिए, तो हम अंदर जाएंगे, आप सभी को दिखाएंगे कि आज ये किस तरह से ट्रायल सेलेक्शन ट्रायल किया जा रहा है, और यहाँ के कुछ मेंबर्स से हम बात कराएंगे कि आखिर ये फुटसल जो सेलेक्शन ट्रायल हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, कब तक होगा, और ये सेलेक्शन ट्रायल होने के बाद क्या क्या होने जा रहा है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। ये आप जो बोल रहे हैं, आप पीछे भी देख रहे हैं, जो हमारा बेसिकली जो इवेंट हो रहा है, ये बेसिकली हमारा ये ओपन सिलेक्शन है। ये रिगार्डिंग फुटसल हम लोग का जो अरुणाचल फुटबॉल फेडरेशन जो कंडक्ट कर रहा है, वो ओपन वो है, सिलेक्शन हो रहा है उसका। तो बेसिकली ये हमारा आज का फर्स्ट डे है, तो इसमें हमारा ओपन सिलेक्शन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो कि ये 3 दिन तक चलेगा। 26 आज है, आज प्री सिलेक्शन है, देन आफ्टर डेट उसका 27 से 29 तक उसमें उसका थोड़ा एक टेक्निकल कोचिंग और वाला सिलेक्शन होगा उसमें, जो कि हमारा नेक्स्ट लेवल में जाएगा, जो होगा हम लोग का रीजनल सिलेक्शन में उन लोग कैंप में बैठेगा। तो बेसिकली ये है कि इसका जिस हम आपको बता देगा, ये हमारा फुटबॉल का रिलेटेड ही है, तो आप आजकल देखा ही होगा कि हमारा फुटबॉल काफ़ी, फुटबॉल बोलने से सिर्फ एक कैटेगरी का नहीं होता है, ये आप एक फुटसाल हो गया, बीच फुटबॉल हो गया, एक नॉर्मल फुटबॉल है, इसमें भी दो कैटेगरी में आता है, मेल फीमेल। तो आज जो है फीमेल का इवेंट चल रहा है फुटसाल सिलेक्शन, जो आज तो ओपन है। अभी जैसे कि हम लोग टोटल रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट 34 का है, तो आउट ऑफ विच मिनिमम 4 to 10 का सिलेक्शन होगा, वो अभी उसके बाद वो रीजनल माने बेसिकली अभी जो सिलेक्शन होगा उसका एक ग्रूमिंग किया जाएगा, उसको फर्स्ट लेवल माने हम लोग का रीजनल लेवल में होगा, देन आफ्टर डेट वो स्टेट चैम्पियनशिप के लिए हम लोग उसको प्रेप कर रहे हैं। तो आगे उसके बाद हम लोग स्टेट लेवल में हम लोग एक कंपटीशन बिठाएगा, वो जो कि पहले बार होगा, तो उसका ये हम लोग का नया है, हम लोग जो फीमेल जो उसको दे रहा है अपॉर्चुनिटी, दे रहा है प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो आगे भी उनको अच्छा काम करेगा हम लोग स्टेट के लिए, वो है। थैंक यू। ये फर्दर ये ऑब्वियसली ये जैसे ये स्टेप वाइज होता है, तो पहला तो हम लोग प्रेप करेंगे, मैंने सिलेक्शन आज जो हो रहा है बताया, तो उसका हम लोग स्टेट लेवल होगा, फिर नेशनल लेवल सिलेक्शन के लिए नेशनल के लिए खेलेगा। या इट्स ओपन टू ऑल, तो बेसिकली कोई भी फीमेल, नो एज गैप माने कोई भी है जो खेल सकता है, इट्स मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। टुडे इज लाइक वो ओपन है, वो कभी भी आ सकता है, देन आफ्टर डेट आज का जो उसका सेलेक्ट जो करेगा, माने बेसिकली अभी जो जैसे हमने बोला 34 कैंडिडेट्स है, देन उसका प्लेयर्स का आधार पे उसमें हम लोग सेलेक्ट करेगा, फिर ये 34 जो होगा उसका ये 3 दिन में उसमें उन लोग को कोचिंग वगैरह देगा, टेक्निकल उन लोग माने कितना जानता है, इसको कितना ग्रूमिंग कर सकता है, वो है। देन आफ्टर डेट विल जो 4 से 10 है, जो लगता है हमको बहुत अच्छा आगे लेके जाएगा, उसी को हम लोग ग्रूमिंग और करेंगे। फुटबॉल मैंने खेलना स्टार्ट किया था बचपन से ही, लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट से खेलना ग्रेड 12 से स्टार्ट किया, अभी मेरा खेलने वाला 13-14 ईयर्स हो गया है। तो फुटबॉल तो मुझे बचपन से इंटरेस्ट था, एक्चुअली बचपन में मैं लड़का जैसे थे, इसीलिए लड़का लोग का देख के, तब हम लोग के पास फुटबॉल भी नहीं होता था, बस हम क्या करते थे, प्लास्टिक को पूरा प्लास्टिक बड़ा बड़ा वाला ढूंढेगा, वहाँ में ये कचरा ये सब डाल के वहाँ रेप करके फिर बॉल जैसा बना के तब हम खेलते थे। तो अभी तक फुटबॉल के वजह से अभी हम
ऐसे खेलो इंडिया के थ्रू एक स्कीम आया है, पूरा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में हर एक स्पोर्ट्स का कोचेस भेजा गया है। तो मैं अभी लेपारादा डिस्ट्रिक्ट का वो हूँ, खेलो इंडिया की तरफ से कोच हूँ जी। अभी तक मैंने सीनियर नेशनल खेला है, यूनिवर्सिटी खेला है जोनल, उसके बाद ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला है, उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स जी। बिल्कुल, अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया कि फुटबॉल की वजह से मैं अभी कोच के लाइन में जा रही हूँ। तो पहले तो हमारे ज़माने में, मैं अभी तो सीनियर हो गई हूँ, जब हम छोटे थे तो इतना गाइडेंस नहीं मिला कि फुटबॉल के थ्रू आप कहाँ का। अभी ऐसा है कि हमारा यहाँ बहुत जानकारी वाला लोग हैं, तो छोटा छोटा बच्चा लोग के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप अरुणाचल के लिए नहीं खेल पाया तो आप बाहर स्टेट में बहुत सारा क्लब है जो आपको साइन कराता है, उसके बाद आपको उसके लिए पेड भी करता है। मतलब अभी सिर्फ पढ़ाई नहीं होता, अभी आपको जॉब मिलना ज़रूरी नहीं, आप स्पोर्ट्स के थ्रू भी आपका ये करियर बना सकता है। फुटबॉल तो हम 2011 से स्टार्ट किया था ना, अभी तो 2014 हो गया। तब हम जो खेलते हैं बैल कोलोरियंग, कुरुकुमे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं हम, जो कोलोरियंग हम लोग का ये हेड क्वार्टर है कुरुकुमे का। तो उधर से बैल का देख देख के न्योकुम यूलो में ये सब देख देख के पता नहीं अलग से एक तो इंटरेस्ट आ गया ना दिल में। हम लोग नेशनल के लिए लड़की अरुणाचल का इतना खेलने ला नहीं निकलते ना, तो हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है, पर हम लोग अपॉर्चुनिटी को यूज़ नहीं करते लड़की लोग। हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट बस हम लोग ऐसे ही टाइम पास के लिए यूज़ करते हैं ऐसे लगते हैं कभी कभी, पर अभी हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इसलिए खेलने। असल में छोटा सा इंटरेस्ट है तो उसका बस नेशनल के लिए भी एक बार खेल के देखेगा बोल के, उसके लिए उसका बाद जाने से इंटरनेशनल में भी ट्राई करके देखेगा। इतना तो नहीं है, पर हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी आते हैं, पर हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ऐसे हो जाते हैं कि ऐसे बोलते बड़ा दीदी लोग आए हम लोग नहीं खेल सकेगा, वो लोग का देख हार जो पहले हो जाते हैं, ऐसे होता है हम लोग का लड़की लोग जो ना जल्दी हार मान लेते हैं, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होने उल्टा सोचने दीदी लोग का थोड़ा इंस्पायर हो सकेगा, ये बात सही करेगा नेक्स्ट बार नहीं होने से भी नेक्स्ट बार सही करेगा, ऐसे नहीं होता, ऐसे होते ये लोग कि हम अभी दिया या हम अभी नहीं होगा देख वो लोग उसमें खत्म हो जाएगा, ऐसे होते हैं।